हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं AIS एजुकेशन यूट्यूब चैनल। और अभी हम बात करेंगे इग्नू के जो सबसे पांच लेटेस्ट सबसे बिग अनाउंसमेंट हैं, जो लेटेस्ट अपडेट इग्नू की तरफ से जारी किए गए हैं उनके बारे में। तो ये कोरोना वायरस के चलते हुए इग्नू ने अभी पांच बड़े फैसले लिए हैं। तो सबसे पहला उसमें है कि सप्लाई ऑफ स्टडी मटेरियल इज स्टॉप एज पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस। जो भी स्टूडेंट्स का जिनका स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी या बाई पोस्ट से आना था, जिन्होंने एडमिशन के टाइम पे अपना स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी ऑप्ट किया था, उन सभी स्टूडेंट्स के स्टडी मटेरियल की सप्लाई अभी रोक दी गई है और ये अभी अगले आदेश तक रुकी रहेगी। इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता फर्दर। ये कंडीशन सही होने के बाद ही अभी आपके स्टडी मटेरियल्स डिस्पैच हो पाएंगे। वो भी फर्दर नोटिफिकेशन आएगा कि वो करेंगे या नहीं करेंगे, अभी इसमें क्लियर नहीं है। तो सभी स्टूडेंट्स को एडवाइस यही किया जा सकता है कि अभी वो लोग अपना जो इग्नू का ई कंटेंट ऐप है उसको डाउनलोड करके या फिर ई ज्ञान कोश से PDF फाइल अपने सब्जेक्ट की डाउनलोड करके वहाँ से अपनी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें। तो दूसरा जो अनाउंसमेंट इग्नू की तरफ से किया गया है वो है कि जो अभी टर्म एंड असाइनमेंट्स थे जो अभी मार्च अप्रैल के अंदर जमा हो रहे थे, तो उनको ये कोरोना वायरस के चलते स्टडी सेंटर और ओरिजिनल सेंटर सब बंद कर दिए गए हैं। तो अभी आप मैनुअली जाके सबमिट कर नहीं सकते, तो इसलिए इग्नू ने अभी उनको ऑनलाइन सबमिट करने के लिए कुछ अपने रीजनल सेंटर से लिंक जारी किए हैं, जहां आप डायरेक्टली उस लिंक को ओपन करके वहां पर अपने डिटेल्स या फिलअप करके एनरोलमेंट नंबर सब्जेक्ट वगैरह फिलअप करके और अपना असाइनमेंट PDF फाइल अटैच करके स्कैंड कॉपी को आप वहां पर सबमिट कर सकते हैं। और कुछ रीजनल सेंटर्स ने अपने ईमेल जारी किए हैं, तो उस ईमेल के ऊपर आप जाके अपना ईमेल पे आप ओपन करके उस ईमेल पे अपना असाइनमेंट सब्जेक्ट वाइज सेंड कर सकते हैं। इसमें क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप एक मेल में एक ही असाइनमेंट भेजें और असाइनमेंट का जो फाइल का नेम है वो भी इनरोलमेंट नंबर और अंडरस्कोर सब्जेक्ट कोड होना चाहिए, ये भी क्लियर लिखा है। तो इसके बारे में डिटेल में मैं वीडियो बना भी चुका हूँ कि कैसे ऑनलाइन असाइनमेंट को सबमिट करना है, कहाँ सबमिट करना है, कैसे उसको स्कैन करना है, तो उसके लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, आप वहाँ से प्रीफर कर सकते हैं या फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस पे जो वीडियोज है उसको व्यू करके भी उसको आप देख सकते हैं। तो तीसरा जो बिग अनाउंसमेंट इग्नू की तरफ से किया गया है, एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट को विदाउट लेट फीस 30 अप्रैल तक एक्सटेंड कर दिया गया है। अभी इसके फर्दर भी एक्सटेंड होने के चांसेस हैं, बट अभी ये कन्फर्म नहीं है कि वो विद लेट फीस होगी या विदाउट लेट फीस होगी, लेकिन विदाउट लेट फीस अभी 30 अप्रैल 2020 तक उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। और चौथा पॉइंट आपका है असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट को भी 30 अप्रैल तक एक्सटेंड किया गया है और स्टूडेंट्स अभी ऑनलाइन असाइनमेंट सेंड कर सकते हैं, अपने PDF फाइल स्कैन कॉपी सेंड करें, अपने हैंड रिटन की वो भी टाइप नहीं होना चाहिए। और पांचवा अनाउंसमेंट है कि जो इग्नू की स्टूडेंट ऐप है जो उसको अपडेट कर दिया गया है, इग्नू स्टूडेंट ऐप जो है उसको अपडेट करके और उसका लिंक वेबसाइट के ऊपर www.ignu.ac.in पे अभी अनाउंसमेंट्स में आया हुआ है, तो आप वहाँ से उसको अपडेट कर सकते हैं या फिर डाउनलोड कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स पहले डाउनलोड किए थे उनकी ऐप में प्रॉब्लम थी, उनकी डिटेल्स शो नहीं कर रही थी, तो वो अपनी उस न्यू ऐप से आप डाउनलोड करके अपने करेक्ट डिटेल्स व्यू कर पाएंगे। तो स्टूडेंट ऐप के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, तो उसका भी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप इन सभी चीज़ों की डिटेल जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो को देखें। और बस सबसे अभी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि टर्म एंड एग्जाम जून 2020 कंडक्ट होगा या नहीं, ये अभी इग्नू की तरफ से कोई डिसीजन इस पे आया नहीं है, अभी इसमें विचार किया जा रहा है। तो जैसे ही अगर इस पे कोई अपडेट आएगा तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया गया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करें, और हर इग्नू की अपडेट हम आपको देंगे तो उसे आप हमारे चैनल पर देख सकते। हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं AIS एजुकेशन यूट्यूब चैनल।